गाइस यार, आज से ठीक एक साल पहले मैंने और मेरी टीम ने मिलकर एक फैसला किया कि क्यों ना अपन जो है अपन सबकी जो फेवरेट कार है वो खरीदे, जो कि आपकी पसंद हो, इसकी उसकी सबकी पसंद हो। हमने बहुत मेहनत की, सबने पैसे इकट्ठे किए और फाइनली हमने दिवाली के दिन, यानी कि जो आज का दिन है उसी दिन, ठीक एक साल पहले धनतेरस के दिन हमने गाड़ी खरीदी और उसकी एंट्री भी ली। और वो था एक ब्लैक घोड़ा, जिसे कि आप लोग रानी कहते हैं, मेरी रानी, आपकी रानी, हम सबकी रानी। हम लोग बहुत खुश थे यार, मतलब क्योंकि वो हम सबकी फेवरेट गाड़ी थी, बड़ी मेहनत से हमने उस गाड़ी को खरीदा था, उसकी एंट्री ली। आप लोग भी हमारे साथ साथ बहुत खुश थे क्योंकि हमने वीडियो बनाई थी और आप लोगों को भी बताया था कि फाइनली हमने रानी ले ली है। लेकिन यार, दिवाली के कुछ दिनों बाद ही हम उसे ढंग से चला भी नहीं पाए थे कि अनफॉर्चुनेटली उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी 3-4 पलटे खाती है और लगभग जो है आधी से ज़्यादा वो गाड़ी ख़त्म हो जाती है। वो गाड़ी मेरी पूरी टीम की, पूरी टाइटेनियम आर्मी की जान बच चुकी थी। इतनी खतरनाक तरीके से वो ख़त्म होती है कि मैं भूल जाता हूँ, हम सब छोड़ देते हैं कि हमारी इच्छा भी नहीं कर रही थी कि हम उस गाड़ी को दोबारा रिपेयर कराएं। वो जो गाड़ी है 4-5 महीनों तक इसी तरीके से जिस कंडीशन में वो थी उसी कंडीशन में गैराज में पड़ी रहती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि हमारी जो गाड़ियाँ होती है उनके ना इंश्योरेंस पास होते हैं, ना ही कंपनियाँ उन्हें ठीक करती है, उल्टा कंपनियाँ तो हमें बैन कर देती है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे कारनामे कैसे होते हैं। तो और भी बहुत सारी वजहों की वजह से हमारा बिल्कुल भी इच्छा नहीं किया, मतलब एक वो होता है ना यार कि मतलब उसे देखते ही हमें बार बार दिल में दर्द होता था। तो मैंने कहा यार इसे ठीक कराना ही नहीं कराएंगे इसको, ठीक है जैसे वैसे रहने दो, इसे दोबारा देखेंगे भी नहीं। क्योंकि जब हम उसे देखते थे तो दिल से अंदर से बहुत उदास हो जाते थे हम लोग और बड़ा फील होता था। लेकिन वो आप लोग थे, आप लोगों ने हमें इतनी हिम्मत दी, आप लोगों ने हमें इतना करेज किया कि नहीं भैया, रानी तो वापस आनी चाहिए, कैसे भी करके रानी को वापस लेके। फिर धीरे धीरे हमने कहा कि यार ठीक है, वापस ठीक कराते हैं। तो गाइस फाइनली क्रेन आ चुकी है और आज हम जो है रानी को भेज रहे हैं रिपेयर होने के लिए। बहुत सोचा, बहुत ज़्यादा टाइम भी ले लिया, लेकिन आज फाइनली डिसाइड कर ही लिया कि चलो इसे किस तरीके से रिपेयर करानी है। तो सभी ने कहा कि पहले जैसी थी वैसी ही चाहिए, तो इसी वजह से पूरे एक साल तक 4-5 महीने तो गाड़ी ऐसे ही रखी रही। और उसके बाद में आप लोगों ने हिम्मत दी और आप लोगों ने इतना करेज किया कि हम उसे ठीक कराने में लग गए। कंपनी के अंदर वो गाड़ी ठीक नहीं होती है तो हम उसे बाहर से ही ठीक कराने लगे। बहुत सारे ऐसे पार्ट्स थे जो कि नहीं मिल रहे थे, तो उसे करते 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 इतना टाइम हो गया भाई, इतना टाइम हो गया कि बाय बाय, देखते हैं कब तक रिपेयर होके आती है। पूरे एक साल से ज़्यादा निकल गया, लेकिन मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, इस धनतेरस को अपनी जो रानी है वो वापस आनी चाहिए। और हम लगे रहे और शायद इसी वजह से हमने दिवाली पे भी इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई, लेकिन फाइनली हमने अपना वादा पूरा किया और फाइनली अब आपके सामने है हमारी रानी फिर से। तो गाइस यार, रानी इज गाइज ये गाड़ी नहीं है, ये इमोशंस है, ये हम सबकी रानी है। गाड़ियाँ तो हमारे पास बहुत है, वो देखो वो खड़ी है एक और स्कॉर्पियो, ऐसी बात नहीं है, वो एक और स्कॉर्पियो खड़ी है वही सेम ब्लैक कलर, लेकिन बात इमोशंस की है, वो देखो वो खड़ी है। ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ, आपको पता हमारे पास कितनी गाड़ियाँ, लेकिन बात है कि ये हम सबकी रानी है। तो गाइज यार फाइनली पिछली धनतेरस को हमने इसे इसका गृह प्रवेश किया था ऑफिस के अंदर, आज फाइनली एक बार फिर से इसका जो है गृह प्रवेश करते हैं। ऐसा समझो कि ये बिल्कुल नई है, बिल्कुल नई रानी है, अभी सीधा शोरूम से ही ले गए हैं। तो गाइस पूजा करते हैं पहले। गाइस ये जो छोटी छोटी खुशी होती है ना, गाड़ी की पूजा करना, उसे अंदर लेना, उसका मुहूर्त निकाल के सब कुछ करना, यही इमोशंस दे देती है, यही चीज़ें हमें कनेक्ट कर देती है। भाई रानी को नाराज मत कर, पूरा दिल से पूजा कर, धीरे धीरे कर भाई, क्या कर रहा है। ये भाई
निकल, टायर के नीचे रख। पहले पहले गृह प्रवेश पहले प्रवेश कराते हैं। भाई हम थोड़ा सा कच्चे हैं इस मामले में। पूरी पूरी गो, पूरी पूरी गो, पूरी गो, पूरी गो। चलो गाइस, अब फाइनली हमारी जो रानी है अपन सब की, उसे अंदर प्रवेश कराते हैं। भाई अंदर धीरे से। हाँ भाई, आरती की थाली खाली है। अरे भाई 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 भाई, ले भाई। अरे यार पूरे ले, खुश रहे भाई। अंदर आ भाई, चल भाई, चल भाई, चल भाई। से अंदर एंटर किया था ऑफिस में। अब आप सोचो यार कि हमने इसे, अब मैं आपको दिखाता हूँ, आजा 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 आजा। तो गाड़ी को चलाया भी नहीं था यार। तो ये देखो जो पूरी गाड़ी है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3000 किलोमीटर चली है। ये देखो तो गाइस, आज फाइनली धनतेरस के दिन हमने इसकी एंट्री ली है। माता रानी के भी ले जाएंगे, गणपति बप्पा मोरिया के भी ले जाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं कि अपनी रानी बिल्कुल नई जैसी हो गई, अब बिल्कुल नई है। ये देखो चारों तरफ से गाइस, ये जो आप ये देखो, अभी हम थोड़ा क्या एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कौन कहता है कि वक्त अपने आप को दोहराता नहीं है, वक्त अपने आप को दोहराता है। यही दिन था, कपड़े थोड़े से चेंज हो सकते हैं। हम सभी लोग थे और इसी तरीके से खुशियां मना रहे थे, लेकिन यो भाई जोश में मत आ, आराम चला ले भाई। अरे ओए ने समझा यार, ये गाड़ी ना आराम चला भाई, जूता की जूता ही। तो गाइस यार, मुझे पता है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि अधूरी हैं। अभी भी अपने चैनल पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, कुछ वादे अभी भी हैं जो कि मुझे पूरे करने हैं। मैं मुझे सब पता है, लेकिन क्या करें, वक्त थोड़ा सा कम रह जाता है। कभी कभार यार पर्सनल इश्यूज़ की वजह से भी टाइम जो है वो आगे पीछे हो जाता है। लेकिन फाइनली हम सबका जो वादा था कि हम रानी को वापस लाएंगे, वो आज पूरा हो गया। तो गाइस यार, फाइनली रानी इज बैक। आ जाओ, आपको दिखा तो देता हूँ यार। और उजाला ले गया, मतलब ये अपनी जो कार थी इस साइड से तो कुछ भी नहीं हुआ था ज्यादा। बाकी आप देख सकते हैं कि पूरी जो है बिल्कुल ब्रांड न्यू, एक भी कसर हमने नहीं छोड़ी है। वो कहते हैं इतनी सी भी कंजूसी नहीं की है, पूरी सब चक, एवरीथिंग इज न्यू नाउ, आप देख सकते हैं। बाकी जो है निशान मैं आपको बताता हूँ, ये देखो कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी भी उसको हमने चेंज नहीं करवाया, पता नहीं क्यों हमने चेंज नहीं कराया। बाकी आप देख सकते हैं कि अभी भी कुछ 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 जगह पे स्क्रैचेस हैं जो कि हमें याद दिलाता रहेगा। लेकिन फाइनली भाई यार, घोड़ा घोड़ा होता है, आप खुद देखो ना यार। कुछ चीज़ें रहती है जो कि हाँ वक्त के साथ में मैं कभी कभार पूरी नहीं कर पाता हूँ, तो टेंशन ना लो आप, सारी चीज़ें पूरी होगी। जितने भी मैंने वादे किए हैं, जो जो मैंने चीज़ें बोली आपसे, वो सब होगी। रानी में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन हम चाहते थे कि इसे दिवाली पे ही किया जाए। पहले हम सोच रहे थे न्यू ईयर को, नए साल को एंट्री करेंगे, लिए मैंने कहा नहीं यार, आप लोगों की ख्वाहिश है कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी रानी ऑफिस में आनी चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जिस दिन ये पहली बार एंट्री की थी रानी ने, उसी दिन दोबारा एंट्री करेंगे, तो हम इसमें लगे रहे। इसके पार्ट्स नहीं मिल पा रहे थे, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, फाइनली अभी रानी आ गई। थोड़ा सा मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अंदर थोड़ा सा एक अलग ही मेरे अंदर अभी भाव है। मैं आपको अपने वर्डों से, अपनी मतलब बातों से वो मैं आपको महसूस नहीं करा सकता हूँ। लेकिन गाइस यार, फाइनली अगर आप लोग नहीं होते तो हम इसे ठीक नहीं कराते, हमें इतनी हिम्मत नहीं थी।
वो आप लोग हैं जिसकी वजह से आज अपनी जो रानी है वो ऑफिस के अंदर है। एक वादा पूरा हुआ, जो भी वादे हैं वो भी धीरे धीरे वक्त के साथ में मैं पूरे करूंगा। बस ऐसे ही आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। और पता है अच्छा क्या लगता है, अपने चैनल की सबसे अच्छी बात क्या है, चीजें जो है ना वो सिर्फ मेरे तक नहीं है, जो भी चीजें वो आप लोगों के साथ में यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन बनाती है। मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, बस इतना ही कहूंगा, फाइनली रानी इज बैक। एंड आज के लिए बस इतना ही, हम सब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, रानी जिंदाबाद, रानी जिंदाबाद, हैप्पी दिवाली, बाय बाय, हैप्पी दिवाली।